रतलाम जिले के जावरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक 65 वर्षीय व्यापारी को 2 नवंबर को गोली मारी गई। बड़े ताज्जुब की बात तो यह रही कि गोली लगने की जानकारी 48 घंटे बाद लगी। इलाज के दौरान 4 नवंबर को व्यापारी की मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने तत्काल मामला संज्ञान में लेते हुए आरोपियों को पकड़ भी लिया। क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। रतलाम जिले के जावरा में रात्रि करीब 8 बजे 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का महू नीमच हाईवे पर तीर्थ पैलेस होटल के सामने एक्टिवा से गिरने से एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल भवरलाल मोदी पिता चांदमल मोदी उम्र 65 साल निवासी सोमवारिया जावरा जिला रतलाम को इलाज हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ घायल द्वारा बताया गया कि उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गई। प्राथमिक उपचार उपरांत घायल भवरलाल मोदी को इलाज हेतु रतलाम से इंदौर ले जाया गया, जहां उच्च स्तरीय विशेष जांचों व ऑपरेशन के उपरांत करीब 48 घंटे बाद भवरलाल मोदी के शरीर से गोली निकाली गई। उक्त ऑपरेशन के पश्चात डॉक्टर द्वारा पुष्टि की गई कि भवरलाल मोदी को कमर में गोली मारी गई थी, जिससे वे घायल होकर नीचे गिर गए, जिस पर यह स्पष्ट हुआ है कि अज्ञात बदमाश द्वारा हत्या करने के उद्देश्य से गोली मारी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा जिला रतलाम पर अपराध क्रमांक 512/19 धारा 307 302 भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्त अपराध की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक जावरा अगम जैन को निर्देशित किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक जावरा अगम जैन के निर्देश पर थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा के नेतृत्व में टीम गठित कर क्षेत्र में धरपकड़ हेतु लगाया गया। उक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 8/11/2019 को गोली मारकर हत्या करने वाले 4 आरोपियों और एक बाल उपचारी को ईदगाह के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, एक पिस्टल मई एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। याद है कि 2 तारीख को रात्रि में एक व्यापारी मंडी से जब लौट रहे थे, उनके साथ दुर्घटना हुई थी। चूँकि शुरुआती दौर में उसको ट्रैक नहीं कर पाए कि वो किस तरीके की थी, मेडिकल एविडेंसेज उसमें नहीं आ पा रहे थे। इसी दरमियान जब उनका इलाज चल रहा था इंदौर में, तो ये स्पष्ट हुआ कि उनको किसी ने गोली मारी है और उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है। चूंकि उसी समय हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे थे और उसी आधार पर हमने 307 का अपराध पंजीबद्ध किया था और हमारी जो सूचना और हमारा जो एविडेंस कलेक्शन था वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। इस पूरी घटनाक्रम में एक हमें सूचना प्राप्त होती है, हमारी CSP साहब और जो DI साहब लोगों ने जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके एक इनपुट आता है कि कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम देना हो सकता है। उसके आधार पर आप लोगों ने उनको पूछताछ की और पूछताछ पर इस घटना का पूरा खुलासा हुआ है। घटना के पीछे जो मूल आशय था वो ये था कि इसमें से जो आरोपी हैं वो लोग वहीं मंडी में काम करते हैं और वो सारी ये चीज़ें भलीभांति पहले से जानते थे कि जो व्यापारी हैं इस रास्ते से जाते हैं और काफ़ी पैसा ये लोग लेकर जाते हैं। चूँकि आरोपी वहाँ हमाली और अन्य कामों में इनका आना जाना रहा हुआ है, इस कारण इन्होंने उसकी मुखबिरी की और मुखबिरी के आधार पर, मतलब उनकी फील्डिंग के आधार पर लगातार उनको सूचनाएं देते रहे। उस दिन जो मृतक है भवरलाल जी, इनको पीछे से आकर एक बाइक पर आए थे लड़के जिन्होंने गोली मारी। गोली मारने के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जैसे ही हमको ये जानकारी लगी कि कुछ इस टाइप के लड़के हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद में हम लोगों ने जब इनको उठाया और उठाने के बाद में सारी जब पूछताछ की गई, तो पूछताछ करने पर इस पूरे घटना का खुलासा हुआ है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य रूप से जो गोली चलाने वाला आरोपी मोइन है, इस पर पूर्व में भी एक 307 का अपराध पंजीबद्ध है और ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है। बाकी जो सारे लोग हैं उसमें 3 हमाली करते हैं। और जो सर मंडी के व्यापारियों के साथ में अन्य लोगों के साथ में घटनाएं होती, उसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस अगला कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसकी सुरक्षा के इंतजाम में कहीं ना कहीं रोकथाम को इसको एक चरण में ना देखते हुए अपन इसको ऐसे देखें कि जो कार्यस्थल है जहां से अगर पूरी घटना का आप ये देखेंगे कि उसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो ये कहानी आपके सामने आएगी कि जब ये लोग वहां से पैसा लेके आते हैं और वहीं ये काम कर रहे थे, वहीं से इन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना को अंजाम दिया है। इसमें पूरा एक इस पूरे इसमें कार्यक्रम में आप इस पूरे इसमें देखेंगे आप इस पूरी घटना में कि एक तो मंडी स्थल हो गया, दूसरा वो जब वहाँ से पैसा लेके जब निकलते हैं जो रोड वाला पार्ट हो गया है,
तो CSP साहब ने और हम लोगों ने एक पेट्रोलिंग का प्लान बनाया है। जिस रूट से व्यापारियों का आना जाना रहता है, इसको लगातार जो पेट्रोलिंग और उनके आने का समय है उस आधार पर हम लोग वहाँ फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग वाला प्लान करेंगे। दूसरा SDM साहब और आप लोगों ने एक प्लान ये किया है कि जो मंडी में आने वाले लोग हैं, एक तो वहाँ CCTV कैमराज हो ताकि बाद में हम लोग ये सारी जानकारी मिल पाए। दूसरा वहाँ जो पंजीकृत हैं वो लोग काम करें और वहाँ के जो चौकीदार हैं उन लोगों को प्रॉपर रखें वहाँ पर, ताकि वो अपना जो चौकीदारी है जो अन्य लोगों को देखने का काम कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।